हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकिता स्टाइल एंड टेस्ट में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि रिपब्लिक डे आ गया और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए तिरंगा वाला पुलाव रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत आसानी से हम वेजिटेबल से ही बनाएंगे पुलाव रेसिपी। ना हमें इस पर कोई कलर डालना है, नेचुरल कलर से ही बनाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए हमने चावल ले लिया है, आप कोई भी चावल ले रहे, मैंने बासमती चावल लिया है। एक कटोरी, इसी कटोरी को हम 3 डिवाइड करेंगे। तो पानी इधर गर्म हो चुका है, तो पतीले में ही हम बनाएंगे हमारा चावल। गीला नहीं होना चाहिए, 90% कुक हो जाना चाहिए। इधर उबाल आने लग गया है और हम चावल चलाते रहेंगे। अब हमारा चावल बनकर रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके पानी को हम ड्रेन कर लेते हैं। पानी हमने ड्रेन कर लिया है और हमारा चावल अब रेडी हो गया है। अब चलिए हम पुलाव बनाते हैं। तो मैंने फर्स्ट ग्रीन कलर लिया है, तो हमने पालक लिया है, ये करीबन 1 कटोरी है। और हमारा ये पानी भी इधर बॉयल हो चुका है हल्का हल्का, तो इसमें हम पालक डाल देंगे। तो हम ग्रीन कलर पालक से ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेजिटेबल कलर ही ओनली मैं बनाऊँगी, सारा वेजिटेबल से आपको बताऊँगी। इसमें कोई कलर नहीं है, कलर जैसे हम खाते हैं तो वो भी हमें हार्म करता है। तो कलर के बजाय आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमारा ये बॉयल हो चुका है, गैस हमने बंद कर दिया है। अब इसे एक छन्नी में ले लेते हैं और इसमें ठंडा पानी डाल लेते हैं, ताकि इसका कलर वैसा ही रहे। और हमारा ये पालक ठंडा हो चुका है। अब ये देखिए, मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है इसका पानी निचोड़ कर। अब हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया। अब हम लेते हैं कढ़ाई, कढ़ाई में डालते हैं घी, और घी हमारा हल्का सा मेल्ट हो जाना है। इसमें डालते हैं जीरा। हम इसे एक पुलाव की तरह बनाएंगे, जिससे खाने में भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा इसमें ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन हमारा रेड हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं पालक का प्यूरी। आपका जितना चावल है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्यूरी डालिएगा, जैसे वो ग्रीन कलर हो जाए। तो मैंने इसे करीबन 2 टेबलस्पून पालक डाल दिया, उसे अच्छे से भून ले रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगी। देखिए, इसी थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर इसमें हम नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, आपको जितना चावल चाहिए उतना ले लीजिएगा। तो मैंने ये एक कड़छी चावल ले लिया है, एक छोटा सा कटोरी में 1 कटोरी चावल है ये। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगेगा कि आपका ग्रीन कम है, तो आप और पालक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लीजिएगा। तो देखिए, हमारा ये ग्रीन कलर हो चुका है, लग रहा है ना कि पूरा कलर डाला हुआ है। तो आप ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में पालक डालेंगे तो आपका ग्रीन कलर बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमारा पुलाव रेडी हो गया ग्रीन कलर। अब हम चलते हैं ऑरेंज कलर बनाने। तो मैंने एक गाजर लिया और एक टमाटर लिया। तो गाजर तो रेड दिखते हैं, बट वो पक जाते हैं तो ऑरेंज दिखते हैं। तो गाजर को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो गाजर और टमाटर से ही हम ऑरेंज कलर लाएंगे अपने राइस में। घी ले लिया है कढ़ाई में, तो घी हमारा हल्का सा मेल्ट हो चुका है। इसमें डाल देते हैं हम जीरा, और फिर इसमें डाल देते हैं प्याज, और अच्छे से भून लेते हैं प्याज को थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम गाजर कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे, ऐसे अच्छे से हम भून लेंगे। और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर एक। अब अपने चावल जितना उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ डालिएगा, तभी वो कलर आएंगे। फिर इसमें हम डाल देते हैं नमक और अच्छे से हम भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं चावल, एक छोटा कटोरी से 1 कटोरी, और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा ऑरेंज कलर भी बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा इसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि सूखा सूखा मुझे लग रहा था। पानी डालने पर और थोड़ा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो हमारा ऑरेंज कलर भी बनकर रेडी हो गया है। तो मैंने ये प्लेट लिया है, आप कोई भी स्टील का प्लेट या कैसे भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम ऑरेंज कलर अपना डाल लेंगे।
लिए अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है और बहुत हेल्दी भी है, आप अपने बच्चों को बना कर दे सकते हैं। और जैसे कि रिपब्लिक डे में बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये सब चीज़ बना कर देंगे तो वो ऐसे भी कितने बच्चे गाजर नहीं खाते हैं, पालक नहीं खाते हैं, तो आप ये सब बना कर दे सकते हैं बच्चे लोग को। और ये नेचुरल कलर है, वेजिटेबल कलर है, तो आपके सामने ही मैंने ये सारा बना कर दिखाया है। तो फिर हम बीच में डाल देते हैं वाइट चावल, और इसे भी हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। अभी हमारा सेट हो चुका है, तो हम ग्रीन कलर भी अपना पालक का राइस भी आते हैं और इसे भी सेट कर लेते हैं। पूरा तो लग रहा है ना तिरंगा की तरह। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसका बीच में का अधूरा चक्र बाकी हो गया, तो इससे हम लॉन्ग से सजाएंगे। अगर आपके पास वो गरम मसाला जो स्टार मिलता है वो होगा तो वो सबसे परफेक्ट है। आप इससे बीच में रखोगे, लॉन्ग से सजाने में थोड़ा मेहनत है इसमें, तो आप वो स्टार यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि हम वो देसी घी डालकर बनाए हैं सारे। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।